हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल राम प्रतिफाशमिला आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाएंगे हमने इसे बिना सिलाई मशीन के बनाया है सिर्फ सुई सुईदाई की हेल्प से बनाया है इसे बनाना बहुत इजी है गाइस बहुत ईजी आप किसी भी साइज़ के लिए बना सकते हैं मैंने सभी साइज के लिए मेजरमेंट बता दी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये है इसके साथ मैचिंग की कैप तो इसे बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जैसे ये हमने सिर्फ नेट के फैब्रिक से बनाया है तो आपको नेट का फैब्रिक चाहिए ये हमने बंच यूज़ किया अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं सिर्फ आप ये फ्लावर लगा सकते हैं यहाँ पे आप कुछ भी लगा के अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं और फ्लावर बनाना मैंने वीडियो में बताया ही है ये है इसके साथ की चोली और कैप तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो करें मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फसल फिफ्टी या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये ड्रेस हमने वीडियो के एंड में गोपाल जी को पहना के भी दिखा दी है ये जो आप फ्लार देख रहे हैं ये ऊपर से बेल्ट है तो आप वीडियो पूरी देखें आपको बहुत ईजिली समझ में आएगी आप बहुत आसानी से अपने गोपाल जी के लिए बना सकते हैं तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गोपाल जी के लिए ये ब्यूटीफुल सी समर ड्रेस ये देखिए हमने यहाँ पे ये स्काई ब्लू कलर में नेट का फैब्रिक लिया है हम सात नंबर के कान्हा जी की पोशाक बनाएंगे हमने यहाँ पे इसकी चौड़ाई रखी है चार इंच और इसकी टोटल लंबाई हमने रखी है नब्बे इंच तो हम मेज़रमेंट देख लेते हैं सभी साइजेस के लिए हम ये चौड़ाई देखेंगे सबसे पहले तो जीरो साइज़ के लिए आपको रखनी है दो दशमलव दो, दो, दो पाँच इंच अब ये दो दशमलव दो पाँच इंच क्या है आप देख लें ये देखिए ये है दो इंच और ये ढाई इंच दो इंच और ढाई इंच के बीच में हमारा हो जाएगा दो दशमलव दो पाँच इंच जीरो साइज़ के लिए दो दशमलव दो पाँच इंच एक नंबर के लिए ढाई इंच दो नंबर के लिए दो दशमलव सात पाँच इंच तीन नंबर के लिए तीन इंच चार नंबर के लिए तीन दशमलव दो पाँच इंच पाँच नंबर के लिए साढ़े तीन इंच छः नंबर के लिए तीन दशमलव सात पाँच इंच सात नंबर के लिए चार इंच आठ नंबर के लिए चार दशमलव दो पाँच इंच नौ नंबर के लिए साढ़े चार इंच और दस नंबर के लिए चार दशमलव सात पाँच इंच हमने अभी आपको ये चौड़ाई बताई अब हम लंबाई देख लेते हैं सभी साइजेस के लिए जीरो साइज़ के लिए आपको रखनी है पचपन इंच एक नंबर के लिए साठ इंच दो नंबर के लिए पैंसठ इंच तीन नंबर के लिए सत्तर इंच चार नंबर के लिए पचहत्तर इंच पाँच नंबर के लिए अस्सी इंच छः नंबर के लिए पचास इंच सात नंबर के लिए नब्बे इंच आठ नंबर के लिए पंचानवे इंच नौ नंबर के लिए सौ इंच और दस नंबर के लिए एक सौ पाँच इंच तो हमने आपको लंबाई भी बता दी सभी साइजेस के लिए अब देखिए हम यहाँ पे सिलाई शुरू करेंगे अपनी तो कैसे करनी है बहुत सिंपल और इजी तरीके की हमारी स्टिचिंग होगी हमने यहाँ सुई में धागा डाल लिया है और यहाँ हम ऊपर से ऐसे छोटी छोटी सिलाई लगाएंगे पॉइंट टू फाइव इंच का मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगानी है ऐसे करके ये देखिए पास 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 हम सिलाई लगाएंगे ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी और ऐसे करके हमें अपने पूरे स्ट्रिप पे सिलाई लगानी है ये देखिए ऐसे ही इकट्ठा करना है हमें चलिए हम अपने पूरे स्ट्रिप पे सिलाई लगा लेते हैं फिर आगे आपको दिखाएंगे कि क्या करना है ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिलाई लगा के इकट्ठा कर लिया और यहाँ पे इसे हमने इकट्ठा करके साढ़े पाँच इंच में किया है मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ ये देखिए ये हमने साढ़े पाँच इंच में इकट्ठा किया है इसे तो कमर हमारी साढ़े पाँच इंच है सात नंबर की काना जी के लिए मैं सभी साइज़ के लिए आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ जीरो साइज़ के लिए आपको इकट्ठा करके दो इंच में करना है एक नंबर के लिए ढाई इंच में दो नंबर के लिए तीन इंच में तीन नंबर के लिए साढ़े तीन इंच में चार नंबर के लिए चार इंच में पाँच नंबर के लिए साढ़े चार इंच में छः नंबर के लिए पाँच इंच में सात नंबर के लिए साढ़े पाँच इंच में आठ नंबर के लिए छः इंच में नौ नंबर के लिए साढ़े छः इंच में और दस नंबर के लिए सात इंच में तो ये हमने आपको कमर बताई और यहाँ से देखिए हमने धागे को कट नहीं किया है यहाँ पे नॉट लगा दिया है जैसे ये हमारा सर के ना और अब हम ये डोरी यहाँ पे सिल लेंगे तो ये हमारे बांधने के काम आएगी तो इसे हम यहाँ पे देखिए सुई धागे की हल्प अटैच कर लेते हैं ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल लिया सेम इसी तरीके से हम इधर भी डोरी लगा लेंगे चलिए लगा लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि आगे क्या करना है ये देखिए हमने इसके ऊपर दोनों साइड से डोरी लगा दी है ये हमारी घेर हो गई है तो अब चलिए चोली बना लेते हैं तो चोली के लिए हमने यहाँ पे देखिए नेट वाला ही फैब्रिक लिया है ये हमने साढ़े छः इंच लंबाई और चौड़ाई का फैब्रिक लिया है आप सभी साइज़ के लिए मेजरमेंट देख लें सात नंबर के कनाजे के लिए हमने साढ़े छः इंच ली है जीरो साइज़ के लिए आपको तीन इंच लंबाई चौड़ाई का चाहिए एक नंबर के लिए साढ़े तीन इंच दो नंबर के लिए चार इंच तीन नंबर के लिए साढ़े चार इंच चार नंबर के लिए पाँच इंच पाँच नंबर के लिए साढ़े पाँच इंच छः नंबर के लिए छः इंच सात नंबर के लिए साढ़े छः इंच आठ नंबर के लिए सात इंच नौ नंबर के लिए साढ़े सात इंच और दस नंबर के लिए आठ इंच अब हम क्या करेंगे ये देखिए इसे हमें ऐसे डबल किया और फिर हम इधर से एक बार फोल्ड करके और फिर एक बार और फोल्ड कर लेंगे देखिए जितनी पतली आपको चोली चाहिए आप उतना पतला यहाँ से इसे बना सकते हैं ये हो गया और अब हमने यहाँ पे देखिए गोल्डन कलर में टिश्यू रिबन लिए इससे हम लॉक करेंगे इसे तो देखिए कैसे लॉक करना है सबसे पहले तो यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करना है और फिर देखिए ये हमने जो जिस साइड हमारी ये वाला हिस्सा हमारा फोल्डेड है बट इधर से देखिए ये खुला हुआ है तो जिधर खुला हुआ है उधर हम इसे ऐसे लगा के और सुई की के से सिल लेंगे ये देखिए ऐसे करके यहाँ से छोटी छोटी सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेना है आप चाहें तो पहले सिर्फ कपड़े पे सिल लें नेट वाला कपड़ा अपना इकट्ठा कर लें तो आपको लगाने में आसानी रहेगी अगर आप डायरेक्ट नहीं लगा पाते हैं तो ये देखिए ऐसे करके हमने यहाँ पे टिश रिबल लगा लेनी है पूरा यहाँ से लेके कर यहाँ तक चलिए लगा लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे क्या करना है ये देखिए हमने इसे सिल दिया और सुइाई के अल्प से सिला सिलाए ये देखिए आपको दिख रहा होगा और सेम इसी तरीके से हमने एक और पीस तैयार किया है इसे भी हमने सुइाए के अल्प से ही सिलाया है अब हम क्या करेंगे इन दोनों पीसेस को यहाँ पे ऐसे रख के और हम सिलेंगे ये देखिए यहाँ से और थोड़ी दूर नीचे तक हमें सिल देना है तो पहले हम यहाँ पे ऐसे सुई को फंसाते हैं सॉरी धागे को और अब हम यहाँ से सिलेंगे छोटी छोटी सिलाई लगानी है बहुत बड़ी बड़ी ना लगाएं ये देखिए ऐसे करके और थोड़ी सी तिरछी जाएंगे हल्का सा देखिए हमने यहाँ सिलाई लगा ली ये हमारा कुछ इस तरह से आया है अब हम क्या करेंगे अपनी स्कॉट पे हम सेंटर पे इसे लगा लेंगे ये देखिए ये है हमारा सेंटर तो हम इसे यहाँ पे ऐसे रख के और सिल देंगे सदा है कि हल्ते हम सिल लेंगे बहुत आसानी से आप बना सकते हैं ये ड्रेस अपने को जी के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ज़्यादा मटेरियल भी नहीं यूज़ करना है ये देखिए यहाँ से आप आसानी से सिल सकते हैं इसे ऐसे छोटी छोटी सिलाई लगा के हम सिलेंगे ये हो गया यहाँ से नॉट लगा के कट कर देंगे ये हमारी ड्रेस बन के रेडी हो गई है ये ऐसे आएगी मैं गोपाल जी को पहना के दिखा दूंगी कि कैसी लग रही है उनके ऊपर और हम इस पर लगाने के लिए एक बेल्ट बनाएंगे तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें बेल्ट कैसे बनानी है अब देखिए बेल्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये टिश्यू रिबन लिया है और एक इस तरह का टिश्यू रिबन लिया है ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट होता है थोड़ा सा इस पर ऐसे लाइन लाइन होती है ये आर पार दिखता है और ये हमारा प्रॉपर एकदम गोल्डन कलर का होता है तो गोल्डन कलर हम अपना बेस रखेंगे तो आप इसमें से कट कर लें और हमने ये बंच लिया है स्काई ब्लू कलर में ही आप स्काई ब्लू कलर के नेट के फ़ैब्रिक से फ्लावर बना सकते हैं अभी मैं आपको बनाना बताऊंगी तो आप सिर्फ फ्लावर भी लगा सकते हैं और ये देखिए ये हमने कुछ गोल्डन कलर में मोती लिया है इसमें से हम यूज़ करेंगे तो चलिए पहले हम फ्लावर ही बना लेते हैं अब देखिए हमने यहाँ पर तीन इंच चौड़ाई और दस इंच लंबाई में ये नेट का फैब्रिक लिया है हम रोज़ बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ से इसे ऐसे एक बार फोल्ड करना है फिर हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और हम यहाँ से रोल करना शुरू करेंगे ये देखिए ऐसे करके हमने रोल करना है अब जब इतना रह जाएगा तो ये वाले हिस्से को हम यहाँ ले आके पकड़ेंगे तो देखिए अंगूठा लगाएंगे नीचे से और ऊपर से ये हम इसे यहाँ ले आएंगे और यहाँ नीचे से ऐसे पकड़ लेंगे ये देखिए फिर हमें इसे ऊपर से ऐसे नीचे ले जाके पकड़ना है और एक हाथ से रोल करते रहना है ऊपर से नीचे ले जाके पकड़ना है और एक हाथ से रोल करते रहना है बहुत सिंपल और इजी सा तरीका है गाइस आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप इजीली बना लेंगे ये देखिए अगर आप नहीं बना पाते इसे तो एक रिबन से भी फ्लावर बनता है रोज़ का वो बहुत ईजी होता है बहुत ईजी आप वो बना सकते हैं वो बनाना भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है मैं खोज के वीडियो आपको कोशिश करके लिंक दे दूंगी ये देखिए अब हम इसे यहाँ से पीछे ले आएंगे और सुई दाई के हल्ब से सिल देंगे तो ऐसे करके आप इजीली रोज़ बना सकते हैं और अगर आप सिर्फ रोज़ भी लगाएंगे तो भी बहुत सुंदर लगेगा ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया अब इसमें से हम पहले टिश्यू रिबन कट कर लेते हैं ये हमने इतना बड़ा कट किया है थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट किया है इस पर हम ये रोज़ सिलेंगे और रोज़ लगाने के पहले हम ये बंच लगा लें आप ये देखिए इसमें से हमने दो लिया और यहाँ से ऐसे करके लगाएंगे तो चलिए हम इन सभी को इसके ऊपर चिपका लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे और देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे भूल गई चिपकाने के पहले हमने ये वाले भी रिबन लगाने हैं तो इसे हम कैसे लगाएंगे ये देखिए ऐसे और फिर दूसरी साइड से फिर ऐसे ही फोल्ड करना है ये देखिए ऐसे करके पहले हमें इसे ही लगाना है और फिर हम इस पर अपना बंच वगैरह अटैच करेंगे ये ऐसे आना चाहिए यहाँ नीचे से तो चलिए हम ऐसे करके लगाते हैं फिर आगे, आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है ये देखिए हमने यहाँ पे ये बेल्ट बना ली है ये एक रोज़ लगा दिया दो दो बंश लगा दिए और यहाँ पे एक एक मोती लगा दी गोल्डन कलर की हमने यहाँ पे सात नंबर की मोती लगाई है ये देखिए ये, ये हमारे ड्रेस पे कैसे आएगा ये हमारी ड्रेस है अभी मैं पहना के दिखाऊंगी आप देखिएगा कितनी सुंदर लगेगी और ये देखिए ये ऐसे आएगा बहुत ही खूबसूरत लगेगा गाइस आप ज़रूर ट्राई करिएगा गोपाल जी के लिए ऐसे करके आएगा तो चलिए अब हम इसकी कैप भी बना लेते हैं तो कैप के लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है हमने यहाँ पे देखिए तेरह इंच लंबाई का फैब्रिक लिया है और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले लें जितना भी आपको लंबाई रखनी हो उसका डबल ले लें इसका मैं आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ चौड़ाई आपको जितनी भी रखनी हो उसकी डबल कर लें आप तो ज़ीरो साइज के लिए आपको यहाँ पर इसकी लंबाई रखनी है छः इंच एक नंबर के लिए सात इंच दो नंबर के लिए आठ इंच तीन नंबर के लिए नौ इंच चार नंबर के लिए दस इंच पाँच नंबर के लिए ग्यारह इंच छः नंबर के लिए बारह इंच सात नंबर के लिए तेरह इंच आठ नंबर के लिए चौदह इंच नौ नंबर के लिए पंद्रह इंच और दस नंबर के लिए सोलह इंच तो मैंने यहाँ पर पंद्रह इंच रखी है अब हम इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे और ये जो फोल्डेड साइड है इधर से हमें नहीं सिलाई लगानी है ये हम खुली हुई साइड से सिलाई लगाएंगे तो मैंने सुई में धागा डाल दिया है यहाँ से देखिए हम ऐसे छोटी छोटी सी सिलाई लगाएंगे ऐसे करके ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है और हम इसे फैला के और कान्हा जी के सर की लंबाई कितना कर लेंगे सॉरी गोलाई कितना जितनी भी गुलाई हो ये मैं आपको बता देती हूँ ये देखिए मान लीजिए आपके कान्हा जी का सर है आप यहाँ से ऐसे करके मेज़र करें ये देखिए सात इंच आ रहा है तो जितना भी आता है उसमें आप आधा इंच प्लस करके इसे रख लें तो मैं ये बना रही हूँ सात नंबर के कान्हा जी के लिए तो मैं लगभग छः इंच रखूँगी ये देखिए ये साढ़े पाँच आ रहा है हल्का सा और बढ़ा लेते हैं बस हो गया अब हम यहाँ पे इसे स्टिच कर देंगे ये हमने यहाँ पे लॉक कर दिया अब हमें क्या करना है इसकी ये वाली जो साइड है वो हम यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम सिलेंगे इसे तो हम इसे सिल देते हैं ये देखिए पहले हम यहाँ पे सिल लेते हैं एक बार ये हमने यहाँ पे सिल दिया अब हम यहीं से ऊपर हो जाएंगे और यहाँ पे भी हम एक नॉट लगा देंगे तो ये देखिए ऐसे करके हमने एक नॉट लगा दी अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इस पर भी हमें छोटी छोटी सिलाई लगानी है ऐसे करके छोटी छोटी सी पूरे राउंड पे सिलाई लगा लेंगे ये देखिए हमने सिलाई लगा ली हमने जहाँ से स्टार्ट की थी सिलाई हम वहीं पे आ गए अब यहीं पे हम इसे खींच के टाइट करके और एक दो बार हम यहाँ से सिल के नॉट लगा के कट कर देंगे ये देखिए हमने सिल दिया इसे अब यहीं से हम नॉट लगा के इसे कट कर देंगे हमारी कैप बन गई अब हमें बस इसे थोड़ा सा डेकोरेट करना है ये देखिए ये इस तरह की कैप आएगी तो चलिए अब इस पर कुछ डेकोरेशन भी कर लेते हैं सीधा कर लिया हमने इसे ये देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे गोल्डन कलर की डोरी ली है जिसे हम यहाँ पे ऐसे करके सिल देंगे ये पूरे राउंड पे छोटी छोटी सिलाई लगा के अटैच कर लेना है चलिए हम इसे अटैच कर लेते हैं फिर आगे आपको दिखाएंगे कि क्या करना है ये देखिए हमने यहाँ पे डोरी लगा ली है और ये बना दिया है इसे हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे इसे कैसे बनाना है मैं एक बार और आपको बता देती हूँ ये देखिए यहाँ से ये हमने ऐसे किया और फिर इधर से इसको हम यहाँ पे ऐसे लेते आएंगे बहुत इजी है ये देखिए ये हमारा बन गया तो इसलिए हमने ट्रांसपेरेंट वाली से बनाया आपको दिख रहा होगा अब हम इस पर एक आध बच लगा लेंगे और एक आध मोती लगा लेंगे रोज़ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाएगी नहीं तो चलिए मैं इतना काम करते हैं फिर आगे आपको दिखाएँगे ये देखिए गैस यहाँ पर हमारी ड्रेस रेडी हो गई है तो चलिए अब हम गोपाल जी को पहनाते हैं और देखते हैं उनके ऊपर ये कैसी लग रही है ये देखिए हमने यहाँ पे गोपाल जी को ले लिया है तो अब इनकी पोशाक पहनाते हैं ये हम ऐसे पीछे से क्रॉस करेंगे और फिर यहाँ से कमर पे हम बांध लेंगे डोरी की हेल्प से ये हो गया यहाँ से हम चोली थोड़ी सी सेट कर लेते हैं खींच के ये डोरी अंदर डाल देंगे और यहाँ से इनके घेर को भी हम अच्छे से सही कर लेंगे फ्रिल को और फिर हम इनकी बेल्ट लगा देंगे तो ये बहुत अच्छे से आएगी गोपाल जी को और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी अभी मैं आपको फ्रंट से दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ से बांध देना है हमें ये हो गया अब हम लगा देंगे यहाँ से बाल और बाल के बाद मैं लगा दूंगी कैप तो चलिए अब सामने से दिखाती हूँ कि एड्रेस इनके ऊपर कैसी लग रही है ये देखिए हमने यहाँ पे गोपाल जी को पोशाक पहना दिया है बहुत ही खूबसूरत लग रही है आप देखें हमने एक कलर की पोशाक बनाई है वो भी सिर्फ नेट के फैब्रिक से हमने इसे बनाया है हमने यहाँ पे कुछ थोड़े थोड़े से मटेरियल यूज़ करके इसे इतना खूबसूरत सा बना दिया है तो आपने देखा इसे बनाना कितना ईजी था आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में पे आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे